हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाई हाई एकेडमी और मैं पुष्पेंद्र आकर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो देखिएगा, इस वीडियो लेक्चर में हम संस्कृत की विभक्तियों के स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली विभक्ति आती है प्रथमा विभक्ति, जिसको हम कर्ता कारक भी कहते हैं। कर्ता कारक, देखिएगा, अगर आपने अभी तक आपको विभक्ति के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है या कुछ नहीं है तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप शुरुआत से शुरू करने वाले हैं। इसके पहले ही मैंने विभक्ति के, वचन के, लकार के एक बेसिक जितने भी वीडियोस होते हैं संस्कृत के, सब बना दिए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, फिर आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इसको सेंटेंस समझने के लिए, सब चीज़ें समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका नाम है कर्ता कारक, कर्ता कारक या प्रथम विभक्ति। कर्ता कौन होता है? कर्ता मीन्स हम बेसिक कहा जाते हैं सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यानी किसी भी काम को करने वाला, किसी भी क्रिया को करने वाला कौन कहलाता है? कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट जनरली क्या होते हैं? ही, शी, इट। इंग्लिश में देखें तो आई, वी, दे, यू, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं, किसी का भी नाम। उसी तरीके से संस्कृत में भी वही सिस्टम होता है, सब्जेक्ट वो ही होते हैं। तो यहाँ पर हम कर्ता कारक प्रथम विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो कर्ता कारक मतलब यहाँ पर मेन जो हमारा फोकस होगा वो सब्जेक्ट पर होगा, हमें ये बात माइंड में बिठाना है। चलिए तो देखते हैं। अब जो नियम क्या होता है हमारा प्रथम विभक्ति का, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में यूज करने का क्या होता है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्र प्रथमा। इसका मतलब ये है कि या तो प्रातिपदिकार्थ जो होते हैं इसमें, या लिंग में, या किसी चीज़ का परिणाम बताने में, वचन में, या किसी के नाम में प्रथमा विभक्ति का हम यूज़ करते हैं। अब जैसे समझिएगा, सबसे पहले वर्ड जो होता है वो प्रातिपदिकार्थ क्या होता है? आपको एक बात बता दूं मैं, जब भी किसी भी शब्द में या किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पद में जब तक विभक्ति नहीं लगती है तो वो क्या कहलाता है? वो प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। और हमेशा जो संस्कृत में जब हम वाक्य बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, तो उसमें हमेशा विभक्ति लगी रहती है, क्योंकि हमेशा वाक्य में हम पद का यूज़ करते हैं, ना कि प्रातिपदिकार्थ का। तो प्रातिपदिकार्थ क्या होते हैं? मतलब जिसमें कोई विभक्ति नहीं लगी है। तो इसलिए अगर हम उसमें, अब हमें उसको क्या पद बनाना है ताकि हम उसको सेंटेंस में यूज़ कर सकें, तो इसलिए उसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे? हम प्रथमा विभक्ति यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें जनरली जो ये शब्द होते हैं ना, नाम की बात होती है, जैसे वृक्ष है, बालक है, या किसी का भी नाम राम है, श्याम है, इस तरीके से प्रथम विभक्ति ये हो गया। अब आया आपको समझ में कि आपका प्रातिपदिकार्थ क्या होता है। सेकंड पे आते हैं लिंग। लिंग मतलब आपका, आपको पता ही है कि संस्कृत में तीन तरह के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो हम जब भी लिंग की बात हो तो लिंग में भी हम कौन सी विभक्ति का यूज़ करते हैं? प्रथम विभक्ति का यूज़ करते हैं। जैसे हमने तट का लिया, तट है, पुल्लिंग है, तटी स्त्रीलिंग है, और तटम नपुंसक लिंग है। तो इन तीनों में ही प्रथमा विभक्ति है। वचन, वचन तो आप जानते हैं संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उसी में भी हम आपका वचन को व्यक्त करने के लिए भी हम वहाँ पर जो वचन वाली चीज़ें होती उसमें हम प्रथमा विभक्ति का यूज़ करते हैं, जैसे एकः, द्वौ और त्रः। परिणाम मात्र, परिणाम क्या होता है? परिणाम मतलब जैसे किसी चीज़ का हमें भार बताना, भार मतलब वेट, नाप, उसको मेज़र करना हो, वजन, यही सब चीज़ें होती, भार, वजन या वेट एक ही बात हो गई। तो ये सब चीज़ को हम व्यक्त करने के लिए हम परिणाम जो होता है, परिणाम मात्र में भी हम प्रथमा विभक्ति का यूज़ करते हैं। जैसे एक किलो चावल, दो किलो चावल, इस तरह की चीज़ों में हम क्या बोलेंगे? आपका प्रथमा विभक्ति का यूज़ करेंगे। सेकंड चीज़, नेक्स्ट चीज़, नाम। जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था कि आपका प्रातिपदिकार्थ जो होता है उसमें जनरली आपके नाम या कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें हम विभक्ति का प्रयोग नहीं करते, तो उसमें जनरली प्रथमा विभक्ति लगती है। तो नाम में हमेशा ही प्रथमा विभक्ति लगेगी, अभी हाल फिलहाल में, जैसे रश्मि है, राम है। संबोधन, जब भी आप विभक्ति पढ़ते हैं तो आपके सात विभक्तियाँ होती हैं, उसमें जो आखिरी में होता है एक संबोधन होता है। संबोधन मतलब किसी को बुलाना, पुकारना। तो संबोधन में भी हमेशा प्रथम विभक्ति ही लगती है, उसमें बस हे आ जाता है, हे देवेंद्र, हे राम, हे रश्मि। तो मतलब यहाँ पे जो संबोधन में भी आपकी हमेशा प्रथम विभक्ति लगती है। तो वाइज आपको समझ में आएगा कि प्रथम विभक्ति मीन जो कर्ता कारक वो लगता कहाँ कहाँ है। जब भी कोई सेंटेंस आएगा आपके पेपर में कि बताइए इसमें प्रथम विभक्ति कहाँ है, तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि भाई आपका प्रातिपदिकार्थ है, लिंग है, वचन है, परिणाम है, नाम और संबोधन, इसमें आपका क्या आता है? प्रथमा विभक्ति आती है।
चलिए अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, कुछ वाक्य देख लेते हैं, उनमें कहाँ प्रथम विभक्ति लगी है कैसे। जैसे हिंदी में सेंटेंस है, मोहन खाता है, मोहन खाता है। अब ये कौन सा लकार हो गया? ये आपका लट्टे लकार हो गया, जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं और हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। अगर आपको लकार नहीं आते तो लकार वाला वीडियो ज़रूर देखें, एक एक लकार पे एक एक वीडियो बनाई है बकायदा, तो आप उनको देख सकते हैं। तो मोहन क्या है? ये नाम, नाम में क्या आता है? प्रथम विभक्ति। तो ये मोहन जो है आपका, ये प्रथम विभक्ति आएगा। मोहन, मोहन है, इसको खाता है, तो ये प्रथम, तो खादती। समझ में आई बात? नेक्स्ट पे आते, मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ही है मैं। आप समझते हैं इंग्लिश में मैं मीन्स आई, आई सब्जेक्ट है, तो अहम, तो ये आपका प्रथम व्यक्ति हो गया। लिखामी, ये लिखामी खादती, ये कैसे लिखा? ये अकॉर्डिंग टू लकार है, लकार के हिसाब से हम लिखते हैं। राम देखता है, तो राम आपका यहाँ पे नाम है, तो राम है, राम है। पश्यति, देखना मीन्स पश्य होता है, राम पश्यति। तो इस तरीके से आप प्रथम व्यक्ति को किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में आप पहचान सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है प्रथम व्यक्ति को पहचानने का। पेपर में जनरली इसके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे वो टेट एग्जाम हो, चाहे संस्कृत से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पर ये विभक्ति पूछी जाती है, तो वहाँ पर प्रथम व्यक्ति भी आती है। क्योंकि हम जनरली प्रथम व्यक्ति को इग्नोर कर देते हैं कि प्रथम व्यक्ति नहीं, हम द्वितीय व्यक्ति को ज़्यादा मायने देते हैं, ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, उससे आते हैं, बट प्रथम व्यक्ति भी आ सकती है। तो हमें हर एक विभक्ति जाना चाहिए, सातों की सातों विभक्ति के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो आपका ये फिनिश होता है। तो होप यू गाइस आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, और इसी तरह वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, आपको किस तरह का वीडियो और चाहिए। आपकी ये डिमांड के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कहा कि भाई और वीडियो बनाओ, विभक्ति के वीडियो बनाओ, तो मैं उसी हिसाब से सबको एक्सप्लेन फॉर्म में बना रहा हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।